सो हेलो पीपल, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम हर साल का हिसाब रख रहे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप ऐसे पर्सन हो जॉब करते हो, या एक हाउस वाइफ हो, राइट। तो हम ऐसे तो देखा जाए तो हम लोग पैसों का हिसाब रखते हैं, एक एज के बाद रखते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा रखते होंगे, बट हम नहीं रखते। और हम ये जितनी जल्दी समझ लें कि हमें हर चीज़ों का हिसाब रखना होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? तभी आप एक अपना ग्रोथ मेज़र कर पाओगे। लाइक अगर आपको जानना है कि आपने इस महीने कितने पैसे कमाए हैं, तो यू हैव टू सी ना, आपके पास एक अकाउंट आपका होता है बैंक अकाउंट्स में, आप देखते हो कि ठीक है पिछले महीने इतने पैसे थे, इस महीने इतने पैसे हैं, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट आता है कि इतना इतना आपने खर्च किया और इतना आपके पास आपका इनकम आया, राइट। क्या हम अपने टाइम का हिसाब रख रहे हैं? क्या हम वो हिसाब रख रहे हैं कि हमने हर साल कितना ग्रोथ किया? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि हो सकता है कि आप एक जॉब करते हो या आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये होगा कि आप 8th क्लास या 9th क्लास में आ गए, 9th से 10th में आ गए। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जॉब करते हो सकता है कि आपके कुछ सपने हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करते हो, राइट। तो आप अपना ग्रोथ कैसे मेजर करोगे? अगर आपके पास ये हिसाब नहीं होगा कि इस साल आपने कितना काम किया, या इस साल आपने अपने ऊपर कितना काम किया, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर कितना काम किया, तो मेरा हिसाब बेसिकली लेके है कि आपने अपने ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपना लाइफ और अच्छा करने के लिए क्या क्या किया, क्या आप उसका हिसाब रख रहे हो। तो आपको करना क्या है कि हम जानते हैं, सभी जान रहे हैं कि ये 2022 का दिसंबर मंथ चल रहा है, कुछ टाइम में ये मंथ ख़त्म हो जाएगा और 2023 आ जाएगा। आई वॉन्ट यू कि आप इस मंथ बैठो, आप 1 घंटे लो, आप आधे घंटे लो, आप शायद 15 मिनट भी बैठो, और आप लिखो कि आपने इस साल में कितने बड़े काम किए, आपने अपनी लाइफ को कितना बेटर बना लिया। ये चीज़ मैंने भी करा था लास्ट टाइम, अपने लास्ट ईयर में, सेम इसी मंथ में, कि मैं अभी जो लाइफ जी रहा हूँ मैं उस तरह नहीं जीना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्चुअली वॉन्ट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था कि मैं जो चीज़ें चाहता था मुझे नहीं मिल पाता। आई राइट इट, और मुझे लगता है कि ये जो साल था इसमें कुछ कुछ गलत इंसिडेंट्स भी हुए, कुछ अच्छे इवेंट्स भी हुए, बट जो गलत थे मैं उनको निगलेक्ट करता हूँ, बिकॉज जो अच्छा हुआ उसके लिए वो ज़रूरी था। तो मैं भी ये काम करता हूँ अपने हर दिसंबर में, साल के अंत में, साल के जो लास्ट मंथ होता है उसमें मैं मेजर करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एक्चुअली मैंने इस साल क्या क्या अचीव किया, मैंने क्या क्या चीज़ें करी, मैंने क्या क्या चीज़ें करी जो मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, और अगले आने वाले साल में मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा जिससे मैं अपनी लाइफ आज से भी ज़्यादा बेटर बना सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट लाइफ का ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितना घर खरीदा, या आपने कितनी मटेरियलिस्ट चीज़ें रख ली, या इन चीज़ों से आप नहीं मैटर कर सकते कि आपने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि सपोज़ लाइक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपको बोलने नहीं आता था, मान लो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे, तो क्या आपने इस साल उस पर काम किया? क्या ऐसा हुआ कि आप बोल पाते हो? लाइक मुझे पब्लिक स्पीकिंग या मुझे कैमरे पर बोलने में बहुत डर लगता था, तो मुझे अपने पिछले साल से इस साल लगता है कि हाँ मैं अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका हूँ और मैं बहुत ही आराम से बात कर सकता हूँ कैमरे के ऊपर। बट अभी भी मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा दो तीन मतलब अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, मैं 2 लोगों में बहुत आराम से बात कर सकता हूँ, बट अगर उससे ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं बात नहीं कर पाता, और शायद मैं नेक्स्ट ईयर इस चीज़ पर काम करूँगा। तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर, अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो? लाइक पिछले साल आप शायद, हो सकता है आपका वेट बहुत कम था, आज आपने सोचा कि इस साल आपने सोचा था कि मैं अपना वेट इतना गेन करूँगा, तो उसको लिखो। अगर आपको लगता है कि आपने अपने हेल्थ पर इम्प्रूव किया तो उसको यू हैव टू राइट। और जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे ना, नेक्स्ट ईयर जब दिसंबर में ये वही डायरी उठाओगे, या दिसंबर में जब हिसाब करने बैठोगे और ये पिछला वाला देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने 365 दिन आपने अपने पर कुछ काम किया है, आपकी थोड़ी ग्रोथ हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ग्रोथ थोड़ी कम हो रही हो, और जब आप यही चीज़ हिसाब लिखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि जो आपको 365 डेज़ मिले थे, उन 365 डेज़ में 24 आवर मिला था, और उस हर घंटे में जो 60 मिनट मिले थे, आपने कितना वेस्ट किया और कितना आपने उसका यूटिलाइजेशन किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर साल अपना हिसाब लिखो। अगर आप एक ऐसे हो लाइक किसी कोई पेरेंट हो, या आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, आई वुड से कि आप भी लिखो, आपको भी पता चलेगा कि इस साल आपने कितना इम्प्रूव किया, इस साल आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। एक रजिस्टर भी बनाओ, राइट, यू हैव टू मेक कहीं तो अकाउंटेबिलिटी हो कि हाँ इस साल ये चीज़ें हुई थी, इस साल मैंने ये चीज़ हासिल करा, ये चीज़ अच्छी हुई, ये चीज़ बुरी हुई। नॉट फॉर कि हाँ हम हर साल देख रहे हैं कि अच्छी चीज़ें ही हो रही हैं, बट फॉर हाँ कि अगर इस साल में कुछ ख़राब हुआ तो इस साल में कुछ अच्छा भी हुआ। तो ये जो दिसंबर मंथ है, वुड से कि ये पार्टी हो गया, ठीक है 25 दिसंबर बहुत आएंगे, नया साल भी बहुत बार आएगा, और इंस्टेड ऑफ वो पार्टी करना, शोर शराबे में जाना, इज़ बेटर कि थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ के लिए निकालो। राइट इट समवेयर
जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप एक अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हो कि मैंने इस साल ये किया, मैंने इस साल ये किया, मैं इतना अचीव कर पाया, मैं अपने लाइफ को इतना बेहतर बना पाया। इसकी अकाउंटेबिलिटी बनाओ कि हाँ, आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई डिड समथिंग फॉर माई लाइफ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना है या फिर आप कुछ जानना चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस, एज आई ऑलवेज सेड कि कीप स्माइलिंग।